Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. We have covered first five chapters और अब जो है हम fifth chapter ही को continue करेंगे, which is the animal nutrition. And nutrition हमने almost complete कर लिया था last class में. आज जो है we are going to complete और we are going to study start the animal nutrition और हम try करेंगे कि इसको भी हम quickly जो है सारा का सारा revise कर लें, जितना possible होगा उतना करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ हम paper 1, paper 2 और paper 6 के भी कुछ questions जो है वो उसको daily solve करते हैं. तो I would like to thank all those students जो regularly मेरी class को join करते हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. होप सो दीज क्लासेस आर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू और उम्मीद है कि ये जो है आपके फाइनल एग्जाम्स में भी हेल्प आउट होंगी. अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द डाइजेशन. तो आज हमने डाइजेशन स्टार्ट करना है. अच्छा, डाइजेशन बेटा क्या होता है, डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है? हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, राइट? हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हमने स्टडी किया था, राइट? हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को स्टडी किया था, ठीक है. इसके साथ हमने कुछ विटामिन्स और कुछ जो थे मिनरल आयंस को भी स्टडी किया था जो हमारे सिलेबस में है. अच्छा, उसके साथ साथ जो है हमने डाइट्री फाइबर्स को क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था, ठीक है. अच्छा, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम देखेंगे कि डाइजेशन की जो है जरूरत क्यों होती है या डाइजेशन क्या है. डाइजेशन जो है दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये क्या है, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल एंड इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. लार्जर हमें पता है, जैसे हमने पीछे अभी ही हमने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट किया है, तो न्यूट्रिएंट्स में आप देखें कौन कौन से हमारे पास लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स पढ़े थे, जैसे स्टार्च, ठीक है. अच्छा, जो स्टार्च है दैट इज द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. स्टार्च इज द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें जो स्टार्च है दैट इज आल्सो द इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल. व्हाट आर द इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स? अच्छा, जैसे कि बेटा आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, राइट? ताकि पता चले कि आपकी रिविजन हो रही है और आप लोगों को कुछ चीजें पता भी हैं, तो आई वुड लाइक इफ यू वुड पार्टिसिपेट बाय आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, ठीक है. लार्जर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल एंड इनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स. इनसॉल्युबल हमें पता है विच कैन नॉट बी डिजोल्व इन टू वॉटर, और इनडिफ्यूजिबल होते हैं विच कैन नॉट क्रॉस और विच कैन नॉट क्रॉस और पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज द सेल मेम्ब्रेन इन और सेल, ठीक है. उसमें से पास नहीं करते तो इनडिफ्यूजिबल. डिफ्यूजन, diffusible is taken from the diffusion which cannot pass or diffuse from the cell membrane, ठीक है. अच्छा, इसका conversion होता है into smaller molecules. They are converted into smaller molecules. Opposite हो जाएगा, larger are converted into smaller molecules, complex are converted into simpler molecules and insoluble are converted into soluble and indiffusible are converted into diffusible molecules, ठीक है. अभी हम नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा, अगर स्टार्च जो है, स्टार्च की ब्रेकडाउन किसमें होती है, ठीक है, स्टार्च जो है, अच्छा आप देखें कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स है, लार्जर है, इनसॉल्युबल है एंड इनडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल है. इट इज कन्वर्टेड इंटू स्मॉलर सिंपलर सॉलेबल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये माल्टोज है. अच्छा, माल्टोज इज स्टिल लिटिल कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये डाइसेकेराइड है और हमने इसको न्यूट्रिएंट्स में कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में. इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज एक्चुअली
ग्लूकोज क्या है, दिस इज द सिंपलर सोलेबल, राइट, दिस इज सिंपलर मॉलिक्यूल, सोलेबल मॉलिक्यूल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल विच विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अच्छा, दिस इज द डिफ्यूजन। अब दूसरी बात जो है, डिफ्यूजन की जरूरत क्यों पेश आती है या डिफ्यूजन की जरूरत क्यों होती है, तो आप देखें कि जिस तरह हम फूड ले रहे होते हैं, फूड में ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन देयर सॉलेबल एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म, राइट। डिफ्यूजेबल मतलब कि ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो दे मस्ट बी इन द डिफ्यूजेबल फॉर्म। तो उसके लिए डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन विल कन्वर्ट द लार्जर कॉम्प्लेक्स इन सॉलेबल एंड इन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर सॉलेबल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, राइट। अच्छा, जब भी हमें डिफ्यूजन आएगा तो वी हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन हियर, ठीक है। लार्जर हम ऑपोजिट कर लेंगे, लार्जर कॉम्प्लेक्स इन सॉलेबल एंड इंडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर सिंपलर सॉलेबल एंड डिफ्यूजेबल, राइट। अच्छा, अब जो डाइजेशन है, देर आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द डाइजेशन। जो ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है, दैट इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। पहला हमने फूड खाना है, राइट, उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी। सो फर्स्ट इज द टेकिंग इन ऑफ फूड एंड दैट इज नोन एज इंजेशन। खाने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इंजेशन। पहला स्टेप जो है, दैट इज द इंजेशन। पहले हम खाएंगे, उसके बाद क्या होगा, इट विल बी देन डाइजेस्टेड। अच्छा, डाइजेशन जो है, हम देखेंगे फिजिकल भी है और केमिकल भी है। ये जो हमने एंजाइमेटिक डाइजेशन अभी ऊपर डिस्कस की है, दिस इज द केमिकल डाइजेशन, ठीक है। फिजिकल इज द ओनली ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इंटू स्मॉलर। फर्स्ट स्टेप इज द इंजेशन, विच इज द टेकिंग इन ऑफ अ फूड। सेकेंड इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर स्मॉलर सॉलेबल एंड डिफ्यूजिबल पार्टिकल, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, डाइजेशन कंप्लीट हो गई है इंटू डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद अब क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इंटू ब्लड, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ये जाएंगे, देन इन द ब्लड दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब डिफरेंट पर्पजेज में कैसे हो सकता है, आप देखें कि अच्छा एब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों होती है। जैसे दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ब्लड हैज टू फूड हैज टू मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। दिस इज द ब्लड, राइट, एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या भी हम इसको खाली स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ने कहाँ जाना है, इनटू ब्लड। अच्छा, अब डाइजेशन जो है वो जस्ट फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में पास करने के लिए हुई है। रीजन इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, दे डू नॉट अलाउ लार्जर मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू ब्लड, और लार्जर मॉलिक्यूल्स आर इनडिफ्यूजेबल, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। तो डाइजेशन की जरूरत क्यों थी, just to convert them into smaller molecules so that they should pass from small intestine into the blood. तो इनको पास करने के लिए डाइजेशन की जरूरत होती है। अच्छा, अब पास होने को हम क्या बोलते हैं, that is known as the absorption. अब ब्लड में जाने के बाद इन मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स ने अगेन जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंथिसाइज करने हैं। जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज विल कंबाइन विद अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इट माइट फॉर्म स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन भी बना सकता है, इट कैन फॉर्म ग्लाइकोजन, ठीक है। इसी तरह जो है प्लांट्स में इट कैन फॉर्म सेलुलोज,
राइट, ये हमने जो था कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस डिटेल में स्टडी कर लिए। इसी तरह अगर अमाइनो एसिड्स अब्सॉर्ब होके जा रहे हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, तो अमाइनो एसिड्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स। जरूरी नहीं है कि वो वही प्रोटीन्स बनाए जो हमने खाए हैं, राइट, दे कैन फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स बिकॉज दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड देन दोज अमाइनो एसिड्स कैन कंबाइन इन एनी सीक्वेंस एंड दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। इसी तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स विल अगेन फॉर्म द फैट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। तो अब ये जो अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद दे विल मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अभी हम डाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स कौन से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो इसके यूटिलाइजेशन को हम बोलते हैं असिमिलेशन। व्हाट इज असिमिलेशन? दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज है, इट कैन बी यूज्ड इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में यूज हो रहा होता है, ठीक है, तो इसको भी हम असिमिलेशन बोलते हैं। और रेस्पायरेशन में व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? एटीपी, व्हिच इज द एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड। और अब हम एनर्जी को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या किस पर्पस के लिए यूज होती है? इट कैन बी यूज्ड फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अलावा इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट, अच्छा, जब भी बेटा हमें ये लिखने के लिए आता है तो हमने इसी तरह आंसर को एक्सपैंड करना होता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। अगर हमें आए असिमिलेशन में ग्लूकोज, तो हमने क्या करना है, वी विल राइट डाउन ग्लूकोज, राइट, और फिर हम बताएंगे कि हाउ इट इज एक्चुअली असिमिलेटेड इन साइड द बॉडी। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है, ठीक है, काफी फंक्शंस हैं। अगर आप एक फंक्शन को मोर मार्क्स के लिए लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट डाउन कि जो ग्लूकोज है इट इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में ये कर क्या रहा होता है? मेजर पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी बन रही है। अच्छा, अब हम आंसर को ज्यादा मार्क्स के लिए किस तरह एक्सपैंड करेंगे? हम इस एनर्जी के फंक्शंस लिख देंगे। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन सेल डिवीजन और फॉर मेकिंग न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स बनेंगे तो उससे क्या होगी? उससे ग्रोथ होगी। वो प्लांट है, वो ह्यूमन बींग्स है, वो एनिमल्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ होगी। सेकेंड, इट इज यूज इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू दिस सेल डिवीजन से ही रिलेटेड है, बट इट कैन गिव अस एन अदर मार्क, ठीक है। अच्छा, एटीपी जो है इट्स ऑल्सो यूज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम एज वी हैव टू वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर द डिस्टिंक्शन, तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसके एग्जाम्पल दे देंगे तो इट वुड बी मच बेटर। एग्जाम्पल में, अच्छा, ह्यूमन बींग्स में ही हम डिस्कस करें तो इट वुड बी गुड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें या ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें तो इट वुड बी मच बेटर, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहां जाएगा? Small intestine to cells of villi, right? Small intestine से cells of villi में जो transport है, that is the active transport. Yes, Uzaifa beta, these lectures are being recorded. और कुछ दिनों तक जब आप ऐप जो है ऐप लॉन्च हो जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर एंड एप्पल स्टोर के ऊपर, आप वहां से इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिलेंगे, एंड देन यू कैन प्ले प्ले बैक्स में आप जाके इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपको। ओके, थैंक यू बेटा, राइट, अच्छा, इसमें हम अगर इस तरह लिखेंगे तो इट वुड बी मच बेटर, ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने ग्लूकोज का यूज लिखा है इनसाइड द बॉडी। सेकेंड, आप देखें
अमाइनो एसिड्स का भी यूज हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये हमने डिटेल में न्यूट्रिशन में स्टडी कर लिया है कि अमाइनो एसिड्स किस लिए यूज होते हैं, इनके फंक्शंस, तो उन्हीं फंक्शंस को हमने यहाँ पर रिलेट करके लिखना है। राइट, अमाइनो एसिड्स दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का फंक्शन है दे विल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। आप प्रोटोप्लाज्म की जगह सेल भी लिख सकते हैं। दे विल फॉर्म द न्यू सेल्स, एंड न्यू सेल्स की फॉर्मेशन से क्या होगी, ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म के। राइट, अच्छा ये दो जो है दीज आर सफिशियंट। डेफिकेशन क्या होता है, अच्छा ये यूज हो गया है हमारी बॉडी में जो अच्छा जो स्मॉलर और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू, एब्जॉर्ब होके किस में चले गए हैं, वो बॉडी में चले गए हैं। बॉडी में जाकर उन्होंने अमाइनो एसिड्स बनाए हैं, ग्लूकोज बनाया है। राइट, वो वहां पर यूज हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं डेफिकेशन, या आप इसको इजेशन भी बोलते हैं। आप डेफिकेशन और इजेशन को कभी भी एक्सक्रीशन नहीं लिखेंगे। एक्सक्रीशन इज, एक्सक्रीशन जो है दिस इज नॉट डेफिकेशन, सॉरी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज नॉट डेफिकेशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो आपने कभी भी डेफिकेशन, यस गुड, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो था ये हम इसको वेस्ट तो कह सकते हैं, बट एक्सक्रीशन को अगर हम मोर डिटेल में डिफाइन करें तो दैट इज द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं, और एक्सक्रीटरी को हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहें तो इट्स बेटर। ठीक है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। और डेफिकेशन जो है दैट इज द रिमूवल ऑफ ओनली अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड में, डाइजेशन में हमने ये नहीं पढ़ा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा डाइजेशन में हमने देखा है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, सिंपलर, सॉलेबल एंड फ्यूजिबल। हमने यहां पर कहीं पर भी ये नहीं देखा कि दे आर कन्वर्टेड इनटू लेस लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी यहां पर नहीं आती, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये डेफिकेशन है, एक्सक्रीशन एक और चीज है। राइट, अच्छा अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये आपको वैसे भी डिफरेंस आता है, ठीक है हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, जैसे हमने अभी डाइजेशन की है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल एंड व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। यस बेटा, विच चैप्टर यू वांट मी टू रिवाइज, दिस वन डाइजेशन और द प्रीवियस वन? यस, ओके बेटा, हम क्विकली इसको रिवाइज भी कर लेंगे एंड पे भी। ठीक है, अभी जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने अभी CAIE 2022 में अपीयर होना है, तो इसमें आप लोगों का भी बेटा फायदा हो जाएगा इफ यू आर टेकिंग क्लासेस। ठीक है, आपकी वैसे भी रिवीजन हो जाएगी फॉर योर एग्जाम्स, और फिर उनकी भी रिवीजन हो जाएगी जिन्होंने अपीयर होना है, और आपके जो है आपको ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी कि जो आपने O3 में अप्लाई करनी है फॉर। ओके गुड, इफ यू आर गोइंग टू अपियर तो मैं इसको क्विकली रिवाइज भी कर दूंगी। राइट, और साथ साथ आप देखते जाए मैं आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी कि आपने जो है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। हाँ, मार्क्स के अकॉर्डिंगली अभी एक तो पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू आउट। और इन द एंड हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम ही पेपर सॉल्व करने हैं। पहले हमारी कोशिश है कि हम क्विकली जो है इसको रिवाइज कर ले चैप्टर को। ठीक है, तो हम क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एंड पे पेपर्स भी कर लेंगे। अच्छा, केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन ये डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब हमने इसको कैसे डिफाइन करना है। मैकेनिकल जो है इसको हम फिजिकल डाइजेशन भी बोलते हैं, समटाइम्स फिजिकल के नाम से आया होता है तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन इज द सेम थिंग। ठीक है, फिजिकल भी आ सकता है और मैकेनिकल भी आ सकता है, सो दिस इज द सेम थिंग।
अच्छा, अब जो है हम डाइजेशन को जब रिवाइज कर लेंगे इन द एंड, तो हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, पेरिस्टाइलिस क्या है, चर्निंग क्या है, बोलस फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में अगर आप 2023 में अपीयर, 2022 में अपीयर होंगे, तो आपको ये वाली कुछ चीजें पता होंगी, राइट। तो हम स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, दैट्स ओनली द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इंटू स्मॉलर, ठीक है, ये भी हो सकती है। अच्छा, जिसके अंदर केमिकल का मतलब है कि जिसके अंदर एंजाइमेटिक एक्शन होगा या बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। जैसे हमने बताया ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, ठीक है, और लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, हियर यू कैन सी, ठीक है, दे हैव द बॉन्ड्स। तो जब इन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है और एक कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द केमिकल डाइजेशन, ठीक है। और हमारी बॉडी में ये किसके थ्रू होती है, दिस इज डन थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो कर रहे होते हैं दैट इज द केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर पीसेस थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, एक नंबर। अच्छा, अगर ये 2 मार्क्स के लिए होता है तो आपको मैं साथ साथ ही बताती जाती हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई हैव रिटन एट वन साइड मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, एक साइड पे मैंने केमिकल डाइजेशन लिखा हुआ है। बट आपने एग्जाम्स में इस तरह अवॉइड करना है, डिफरेंस जो है वो आपका इट शुड नॉट बी इन कॉलम, एक तो ये चीज, दूसरा जो है इसके बीच में लाइन भी आपने कभी भी नहीं लगानी, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये आपने कैम्ब्रिज में नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब लिखना है तो आपने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे आप इस साइड पे लिखेंगे तो आप सेम इस टाइप पे भी लिखेंगे, इस साइड पे भी लिखेंगे, समटाइम्स ये अंडरस्टूड होता है बट हमने उसको डिस्क्राइब लाजमी करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि दे हैव प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल, तो हम ये नहीं लिखते दैट प्लांट एनिमल सेल्स लैक लार्जर वैक्यूल, ये हम नहीं लिखते। हम कहते हैं कि ये मैम अंडरस्टूड था, ठीक है, अगर प्लांट्स के पास है और हम एनिमल्स में नहीं लिख रहे तो इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर यस वी हैव टू यूज, ठीक है, हमने क्या करना है, कंपेयरिंग में दोनों हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी होती है, कंपैरेटिव लिखनी है, ठीक है, और कॉलम आपने कभी भी नहीं बनाना। आप जैसे अभी मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल की आपको एग्जांपल दी है, प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल, एट द सेम टाइम आपने आगे लिखना है एनिमल सेल्स डू नॉट हैव लार्जर वैक्यूल, तो दिस विल गिव यू 1 मार्क, ठीक है, इसका एक नंबर मिलेगा। इस तरह हमने स्टेटमेंट करनी है, हम पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बिकम मोर परफेक्ट। केमिकल डाइजेशन के एग्जांपल्स आप देखें, इसमें बेटा जो मास्टिकेशन है, मास्टिकेशन इज द च्यूइंग और ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर। टीथ जो है आप देखें कि हम व्हेन वी आर ईटिंग तो हमारा जो फूड पार्टिकल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, दैट इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको हम च्यूइंग भी बोलते हैं, दैट इज द च्यूइंग एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द मास्टिकेशन, इट इज द सेम थिंग। ये एग्जाम्पल है फिजिकल डाइजेशन के, फिजिकली लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स, बट केमिकली यस दिस इज डन थ्रू डिफरेंट टीथ, कैनाइन, मोलर्स, प्री मोलर्स एंड इंसाइजर्स। डेंटेशन हम इन द एंड रिवाइज करेंगे, ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग में जल्दी से डाइजेशन को देखते हैं। अच्छा, दूसरा आप इसमें अगर आप देखें कि ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, फिजिकल डाइजेशन या केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन, तो हम इसको 4 मार्क्स के लिए कैसे लिखेंगे, आप देखें, एक तो हम मास्टिकेशन का बता देंगे, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है, हम टीथ भी लिख रहे हैं तो इट वुड बी मच बेटर, टीथ की वजह से जो हो रही होती है। सेकेंड जो है दैट इज द बोलस फॉर्मेशन, आप देखिए टंग जो है वो रोल करती है डाइजेस्टेड फूड को इन अ मास, स्फेरिकल मास, ठीक है, ये जो गोल मास बनता है विद द हेल्प ऑफ टंग वो भी क्या है, दैट इज द फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल होगी पेरिस्टाल्सिस विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द, या फ्रॉम आप यू कहें कि ईसोफेगस, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द
स्टमक पेरिस्टाइसिस वो भी क्या है, फिजिकल डाइजेशन है। अच्छा, चर्निंग जो है विच अकर्स इन स्टमक, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ स्टमक है जो मिक्स करती है एंजाइमेटिक जूसेस को विद द फूड। ठीक है, तो वो मिक्सिंग हो रही है ना, तो वो भी आप देखें दैट इज ऑल्सो द फिजिकल डाइजेशन। तो ये फोर है फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन के, जब भी हमें आएगा तो आप देखें हम इसको फोर मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। मास्टिकेशन का लिखें, बोलस फॉर्मेशन, पेरिस्टाइसिस एंड चर्निंग, तो इसका मतलब है वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर फोर मार्क्स। केमिकल डाइजेशन में हम एक ही बात लिखेंगे, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर, बट दिस इज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स का हम यहाँ पे लाजमी जिक्र करेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि इस साइड पे अगर हम फोर पॉइंट्स लिख रहे हैं तो इस साइड पर हमने फोर पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, यहाँ पर आपने बता दिया। दूसरा जो है इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, विच इज द ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर। हाइड्रो मीन्स वॉटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो एंजाइमेटिक एक्शंस जो हो रहे होते हैं या विच हेल्प इन डाइजेशन, उसमें क्या होता है, वॉटर लाजमी एड होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हमने इसको एक्सपैंड कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है पेरिस्टाइसिस में नहीं, जब हम यहाँ पर मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन का लिखेंगे तो यहाँ पर हम उनका नहीं बताएंगे, स्फेरिकल एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का यहाँ पर नहीं बताएंगे, जब पेरिस्टाइसिस आएगा तब बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने यहाँ पर कैसे ज्यादा पॉइंट्स करने हैं, यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, एमाइलेज का बताएं इसमें, एमाइलेज कौन सी केमिकल डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, काफी एंजाइम्स है, एमाइलेज है, माल्टोज है, सुक्रेज है, प्रोटीएज है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आप अच्छा जस्ट एंजाइम नहीं बताने, आपने एंजाइम के साथ बताना है कि ये कौन सी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब एमाइलेज इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करता है, इनटू माल्टोज। यू आर पेयरिंग इन O3, तो हम इसको डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लिखेंगे, हम माल्टोज लिखेंगे। इसी तरह माल्टेज विल कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो आपने सबस्ट्रेट भी बताना है और प्रोडक्ट भी बताना है। तो सबस्ट्रेट का भी हमें नंबर मिलेगा, एंजाइम का भी मिलेगा, प्रोडक्ट का भी मिलेगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर मार्क्स जो है वो एक्सपैंड, आंसर एक्सपैंड हम कर सकते हैं और मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं। जो ऑर्गेन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के,